जेबीकेएसएस कोई पार्टी आज बना है, लेकिन उसका उत्थान अगर हुआ है तो भाषा संस्कृति और अपनी पहचान को लेकर ही हुआ है। जो कि अगर जयराम दा को इस चीज का सूचना भी नहीं है कि कहां पे क्या कार्यक्रम होगा, रामगढ़ में क्या कार्यक्रम होने वाला, ये सूचना भी नहीं है कि हम लोग जेबीकेएसएस आयोजन कर रहा है, लेकिन बुलाया जाएगा सभी भाषा संस्कृति और अपना पहचान को मानने वाले। माया ठुंगरी रामगढ़ में, और ये देख रहे हैं कि जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य रामगढ़ जिला के सब लोग हैं। इन लोग एक अहम बैठक रखे थे, बैठक यही था कि करम महोत्सव कर रहे हैं रामगढ़ जिला में, उसको लेकर एक प्रथम बैठक थी। सोशल मीडिया में आप भी दिखाए थे, यहाँ रामगढ़ जिला के तमाम आंदोलनकारी थे। आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर समापन हुआ है और बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या निर्णय लिया गया इन लोगों के द्वारा कि जेबीकेएसएस करम महोत्सव जो कर रही है रामगढ़ जिला में, ऐतिहासिक करम महोत्सव रहेगा जिसमें रामगढ़ जिला के साथ साथ तमाम झारखंड वासियों को आमंत्रित करेंगे ये लोग, अब बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ देवानंदा है, जोहारदा। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जोहार रहेगा। आज आप लोग का एक अहम बैठक था माया टुंगरी में, करम महोत्सव को लेकर, और किसके बैनर तले, तो जेबीकेएसएस जो झारखंड के भाषा संस्कृति खतियान नियोजन के लिए लड़ रही है। अब आप लोग करम महोत्सव कर रहे हैं, तमाम विराट करम हुआ और भी जगह कार्यक्रम हुआ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज का बैठक में आप लोग का क्या निर्णय हुआ, कहां कहां से लोग आए थे, किन किन मुद्दों पे बात हुई, कितने लोग आए? देखिए, हम लोग का पूरा रामगढ़ जिला के 6 प्रखंड से यहां पर आदमी आए हुए थे। हमारे रामगढ़ जिला के 6 प्रखंड से यहां पर लोग आए हुए थे और करम को बृहद रूप से अपना संस्कृति को मनाने का निर्णय लिया गया है। और यह करम बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन किया जाएगा जो कि ऐतिहासिक रहेगा, आज तक रामगढ़ जिला में कभी नहीं हुआ है, उसको हम लोग मनाएंगे। दादा, कहाँ कहाँ से लोग, कौन कौन प्रखंड से लोग आए थे? हम लोग का रामगढ़ जिला के 6 प्रखंड, पतरातू, रामगढ़, मांडू, चितरपुर, दुलमी और गोला, 6 प्रखंड से लोग आए हुए थे और सबने अच्छा रिस्पॉन्स दिया मीटिंग का और करम को पूरे भव्य तरीके से मनाने का निर्णय लिया और एकजुटता का परिचय दिया। सभी कोई धन्यवाद के पात्र है और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद। जुलूस होगा कि कहीं पर एक अखाड़ा बनाकर कार्यक्रम होगा? देखिए, ये जुलूस नहीं होगा, ये एक अखाड़ा बनाया जाएगा, एक ग्राउंड चिन्हित करके वहाँ पर सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे अपना टीम में आएंगे और उनको मौका दिया जाएगा अपना झूमर प्रतियोगिता दिखाने का और वे अपने संस्कृति को निखारेंगे। और ये बिल्कुल एकदम सांस्कृतिक होगा, कोई रिकॉर्डिंग गाना नहीं होगा, अपने से गाएंगे, बजाएंगे और अपने से नृत्य करेंगे। ढोल मांदर नगाड़ा सब रहेगा? सब रहेगा, ढोल मांदर नगाड़ा रहेगा, सब अपने से प्रदर्शन करेंगे, ये कोई रिकॉर्डिंग गाना नहीं चलेगा, सब अपने से गाएंगे, अपने से बजाएंगे। और सब तो ठीक है, जेबीकेएसएस के बैनर तले हो रहा है, जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य रामगढ़ जिला के लोग कर रहे हैं, तो टाइगर जयराम महतो का निमंत्रण आगमन होगा कि नहीं होगा? देखिए, यहाँ पर तो जेबीकेएसएस के द्वारा किया जा रहा है तो सबका सोच है और सबको चाहते भी है कि जेबीकेएसएस के मुखिया जयराम दा रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। और हम लोग का पहल किया गया और कोशिश भी है कि जयराम महतो आएंगे और उत्साह को बढ़ाएंगे और हम लोग उसके लिए जी जान से अब प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। जेबीकेएसएस के साथ साथ और भी आंदोलनकारी उनके मतलब कि सहयोगी हैं, जैसे बेबी पूजा हो गए हैं, देवेंद्रनाथ महतो, संजय मेहता और भी झारखंडी लोग हैं। देखिए, ये कोई जेबीकेएसएस नहीं है, जेबीकेएसएस बस निवेदक रहेगा, वो प्रोग्राम को आयोजन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अपनी भाषा संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। इसमें किसी का बाउंडेशन नहीं है कि जेबीकेएसएस सिर्फ आएगा, संस्कृति, भाषा, अपना पहचान को मानने वाले सभी को निमंत्रण दिया जाएगा, सभी को सम्मान दिया जाएगा, सभी को सम्मान दिया जाएगा, सबको निमंत्रण दिया जाएगा। इसमें कोई पार्टी नहीं है कि मतलब केवल जेबीकेएसएस का रहेगा, जेबीकेएसएस आयोजन कर रहा है लेकिन बुलाया जाएगा सभी भाषा संस्कृति और अपना पहचान को मानने वाले को। इस बहुत करम महोत्सव तो गाँव में भी तो अखाड़ा में किया जाता है, लेकिन आज ये करम महोत्सव रामगढ़ जिला में किया जा रहा है, तमाम रामगढ़ जिला के लोग इसमें अपना भूमिका निभाएंगे और पूरे झारखंड वासियों को निमंत्रण देंगे कि आइए हमारे इस पर्व कार्यक्रम में, इसमें क्या आप लोग अलग कुछ करेंगे? देखिए, ये हम लोग का ये संस्कृति, हम लोग का भाषा, ये त्योहार बहुत पुराना है, लेकिन बाहरी त्योहार और बाहरी भाषा हम लोग का क्षेत्र में बहुत तेजी से अतिक्रमण कर रहा है, तो इसको हम लोग एक चाहते हैं कि क्यों नहीं एकजुटता और सामूहिकता का परिचय देकर सबके सामने इसको लाया जाए और इसको ऐतिहासिक बनाया जाए। लोग बोलेंगे कि ये जेबीकेएसएस तो पार्टी वाला, इन लोग जेबीकेएसएस पार्टी वाला कार्यक्रम कर रहा है, तो आने के लिए कोई? देखिए, मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, जेबीकेएसएस कोई पार्टी आज बना है, लेकिन उसका उत्थान अगर हुआ है तो भाषा संस्कृति और अपनी पहचान को लेकर ही हुआ है, जो कि यहाँ का मिट्टी, यहाँ का भाषा, यहाँ का पानी, यहाँ का खनिज, जो बहुत तेजी से बाहरी अतिक्रमण के द्वारा किया जा रहा है, उसी को लेकर जेबीकेएसएस आया हुआ है। और जेबीकेएसएस का फुल फॉर्म है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जो की
अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने त्यौहार के लिए लड़ाई लड़ रही है और मरते दम तक अपने यहाँ की पहचान मिट्टी के लिए लड़ेगी। कितना मतलब लग रहा है कि कितना लोग आएंगे, किस क्षेत्र में कार्यक्रम आप लोग करिएगा, किस तरह से होगा, मतलब कि जानने का प्रयास करेंगे। कोई अगर आएंगे पतरातु तरफ के लोग और गोला में कार्यक्रम होगा तो उनकी दूरी काफी ज्यादा होगी, इसीलिए लोग जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम आखिर होगा कहाँ। देखिए अभी एक कमेटी बनी हुई है, 6 प्रखंड से 5-5 मेंबर का चयन किया गया है और वे 30 मेंबर एक जगह का चुनाव करेंगे, जिसमें जिला के केंद्र बिंदु को देखते हुए शहर का सेंटर पॉइंट भी हो और किसी का आने जाने में दिक्कत ना हो, आवागमन पूरी अच्छी तरह से हो, यातायात का सुविधा रहे, लोगों का ठहरने आने जाने में किसी तरह का परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए कमेटी गठित किया गया 30 सदस्यों का, जल्द ही ऐसा निर्णय लेंगे जिसमें 6 प्रखंडों को एक जगह केंद्रित होने में, जमा होने में किसी तरह का बाधा ना हो, इस पर बहुत निर्णय और बहुत गंभीर चिंता करके जगह का चयन किया जाएगा। बहुत चीज बताए हैं देवानंद, जो कि जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य रामगढ़ जिला के, दादा जोहार। इस बहुत बड़ी आप लोगों ने कदम के अगुवाई कर रहे हैं रामगढ़ जिला में, और भी आंदोलनकारी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आइए कैमरामैन को कहेंगे, आंदोलनकारी बेरोजगार पनेसर किधर है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जोहार दा, आपसे बहुत भागदौड़ में देख रहे हैं, हमेशा आपसे बात भी कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं मैं अभी बात नहीं करूंगा, कार्यक्रम को लेकर चर्चा परिचर्चा करना है, और अभी तमाम लोग सब लोग चले गए, करीबन यहाँ पर देखे 400-500 लोग थे। आप लोग रामगढ़ जिला में बैठक करम महोत्सव का देवानंद दास से अभी बातचीत भी हुई, आप लोग का अंतिम निर्णय क्या हुआ, रामगढ़ जिला के लोग करम महोत्सव मना रहे हैं उसको लेकर? एकदम हम लोगों का ये जो बैठक था ये करम पर्व के अंतर्गत कह सकते हैं, करम महोत्सव मनाने का, और ये हमारा जेबीकेएसएस का टीम आयोजन कर रहा है इस चीज का, और ये कह सकते हैं पार्टी विशेष पे नहीं है, बस आयोजन करता जेबीकेएसएस है, बाद बाकी निमंत्रण सबको रहेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी संगठन का हो, या फिर किसी भी विचारधारा का हो, सबका हार्दिक स्वागत रहेगा। और हम लोगों का अभी वर्तमान में जो निर्णय निकला है वो 22 सितंबर का है, हो सकता है मे भी किसी तरह का त्रुटि हो तो 1% संशोधन होने का, अन्यथा 22 सितंबर हम लोगों का दिनांक तय हो चुका है, स्थान हम लोग 1-2 दिन में तय कर लेंगे, उसके बाद और वैसे फिलहाल पहले ही निमंत्रण रहेगा कि हमारा जो कार्यक्रम होने वाला है करम महोत्सव, जिनका नाम भी हम लोग बहुत जल्द आप लोगों के बीच में दिखाने का और बताने का प्रयास करेंगे। दादा जेबीकेएसएस के आप लोग बोल रहे हैं निवेदक रहेगा, जेबीकेएसएस के अध्यक्ष का निमंत्रण रहेगा कि नहीं, आएंगे कि नहीं, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि टाइगर जयराम महोत्सव से जहां रामगढ़ आते हैं वहां देखते हैं लाखों का भीड़ हो जाता है, रामगढ़ जिला में सैकड़ों लोग जुट जाते हैं, उनके सिर्फ सक्रिय लोग, तो चाह रख रहे हैं कि टाइगर जयराम महोत्सव भी उस करम महोत्सव में रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि विराट करम हो, चाहे विराट जुलूस वगैरह हो, और बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच का भी जो कार्यक्रम हुआ है झारखंड की संस्कृति भाषा के लिए, टाइगर जयराम महतो का आगमन हुआ है, तो लोग आशा करेंगे रामगढ़ जिला के लोग की, अगर तमाम जिलों से भी लोग आएंगे आपके इस कार्यक्रम में। दादा देखिए इसमें विनोद की बात करें, विनोद बाबू की बात करें, चाहे बिरसा मुंडा भगवान की बात करें, या फिर निर्मल दा की बात करें, या फिर जयराम दा की बात करें, उन लोगों के विचारधारा में चलने वाले यहाँ पे अनेकों लोग हैं, और अभी हम इस वीडियो के माध्यम से कह दे रहे हैं कि अभी तक टाइगर जयराम दा को इस चीज का सूचना भी नहीं है कि कहाँ पे क्या कार्यक्रम होगा, रामगढ़ में क्या कार्यक्रम होने वाला, ये सूचना भी नहीं है, ये हम लोगों के माध्यम से तय हो रहा है, बाकी हम लोग दादा को भी सूचना देने का काम करेंगे, और उनके पास यदि समय हो तो वो आएंगे, और उम्मीद है वो आएंगे ही आएंगे। तो ये थे रामगढ़ जिला के सक्रिय बेरोजगार पनेसर दा, जो कि करम महोत्सव जो रामगढ़ जिला में हो रहा है इन लोगों के अध्यक्षता में हो रही है, और बहुत जल्द इन लोग का डेट फिक्स होगा, जगह फिक्स होगा, और एक करम महोत्सव जेबीकेएसएस के द्वारा पहली बार जेबीकेएसएस के निवेदक में कार्यक्रम होगा रामगढ़ जिला में। तो बस आप लोगों से ये उम्मीद रहेगा कि झारखंड की भाषा संस्कृति के लिए इन्होंने जिस तरह से कहा कि ये पार्टी विशेष कुछ नहीं है, सभी को निमंत्रण रहेगा, अगर कोई पार्टी विशेष के भी लोग आते हैं तो सबको स्वागत रहेगा झारखंड की भाषा संस्कृति, सभी को स्वागत रहेगा, यहाँ तक कि जितने बहुत सारे हमारे इस संयोजक मंडली में 1-2 साथी हैं जो मुस्लिम हैं,
बता दें आप लोगों को, हमारे साथ में एक दो साथी ऐसे भी हैं जो मुस्लिम हैं और उस बैठक में भी उपस्थित हैं और वे भी इस करम पर्व को बढ़ावा देने के लिए, झारखंड की संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जब एक मुस्लिम हमारे साथ में है तो फिर भैया आप लोग तो फिर आदिवासी मूलवासी हैं, झारखंड की संस्कृति को आप लोग भली भांति जानती हैं, तो फिर आइए और अपनी संस्कृति को बचाते हैं और संरक्षित रखते हैं और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए इसे अच्छी तरीके से अपने पीढ़ीगत बचा करके रखते हैं। बाकी अपडेट देता रहूंगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार दा, जोहार दा।